प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज है आपके 11th ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर बच्चों आज हम आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, यानी एक सर्कल जिसका डायामीटर 40 सेंटीमीटर है, आगे दिया है कि उसकी जीवा 20 सेमी लंबाई की है और एक उसकी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी उससे जो आर्क बनेंगे उनमें जो स्मॉल आर्क होगा उसकी लेंथ बतानी है। जैसे बच्चों इसको यदि हम डायग्राम के थ्रू समझें तो मान लीजिए ये इसकी एक कॉर्ड है ए बी जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपके इसके ऊपर दो चाप बनाती है, एक ए बी और एक बी ई। तो जो छोटा चाप यानी जो स्मॉल आर्क है उसकी लेंथ हमें पता करके बतानी है। तो यदि ये इसका सेंटर हो तो इनको मैं मिलाऊं तो ये भी 20 है क्योंकि रेडियस 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जब तक हमारे पास थीटा नहीं होगा, क्योंकि एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे बच्चों थीटा रेडियन में होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे थीटा तो दिया हुआ ही नहीं है, गिवन ही नहीं है थीटा, कैसे करें। तो बच्चों यदि आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रोंग है तो आप ध्यान से देखिए इसकी तीनों साइड जो है उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 20 20। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अर्थात जो आपका ट्रायंगल ओ ए बी है वो एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, यानी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके जितने भी एंगल होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इतनी बात कवर हो गई होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें डिग्री के कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, हमें रेडियन के कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो डिग्री को हम यहाँ पर किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। तो आप सब जानते हो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए उसको पाई बाय 180 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। तो जो थीटा सी की वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, पाई बाय 3 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, यानी जो आपका यहाँ पे एंगल होगा वो रेडियन के अंदर कितना आ जाएगा, पाई बाय 3, और रेडियस कितनी है, 20। तो अब मैं लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर सकता हूँ, आर इंटू थीटा 20 × π/3, 20 की वैल्यू सॉरी पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7, कैंसिल कुछ हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई करोगे तो 440/21 सेंटीमीटर। हाँ यदि आप इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करके आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, कोई डाउट है तो एक बार देखिए इसको ध्यान से, रिपीट कर देता हूँ जिससे ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपके फिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था कि एक सर्कल है जिसका डायामीटर 40 सेंटीमीटर है, तो डायामीटर 40 सेंटीमीटर है तो आपको ये पता होगा कि जो रेडियस होती है वो डायामीटर की हाफ यानी आधी होती है, तो जो रेडियस है वो जाएगी 20 और जो कॉर्ड की लेंथ गिवन है वो 20। हमें दिया गया है कि जो कॉर्ड है वो कितने जो आर्क बना रही है, जो छोटा आर्क है स्मॉल आर्क है उसकी लेंथ क्या होगी, तो एल इक्वल टू होता है आर थीटा। आर गिवन है पर थीटा गिवन नहीं है, और जब तक थीटा पता ना हो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए बच्चों हमने क्या किया, हमने इसको सेंटर से ज्वाइंट कर दिया, ये भी रेडियस यानी त्रिज्याएं हैं 20 20, तो दिखाई दे रहा होगा कि ये एक आपका इक्विलेटरल अर्थात समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी जो थीटा होगा वो 60 डिग्री का होगा, और 60 डिग्री है डिग्री है रेडियन में चेंज कर दो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया पाई बाई 3। अब बच्चों रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हमने या डिग्री को से रेडियन में आना वो हमारी सारी बातें पढ़ी हुई है, ठीक है। तो
आर 20 थीटा पाई बाई 3, यहाँ पे वैल्यू पुट की, सोल्व किया, आंसर फिनिश, खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। आगे बढ़े फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसे यदि हम सोल्व करें तो कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, हिंदी मीडियम में समझ आ गया होगा कि बच्चों हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट सर्कल हैं, उनके जो अलग अलग आर्क हैं उनकी लेंथ इक्वल है, यानी जो पहला सर्कल है उसका आर्क मैंने ले लिया L1, रेडियस R1 और जो एंगल है θ1, ठीक है, जो अदर है L2, R2 एंड θ2। बच्चों क्वेश्चन में ये गिवन है कि L1 इक्वल L2 इक्वल L, ये गिवन है यानी दिया हुआ है। थीटा वन यदि मान लीजिए 60 डिग्री है तो थीटा टू है 75 डिग्री। R1 और R2 का अनुपात क्या होगा, यानी रेशियो ऑफ R1 R2 क्या होगा, वो आपको यहां पर फाइंड आउट करके बताना है। क्वेश्चन बच्चों समझ आ गया हो क्या होगा, फिर दो अलग अलग सर्कल हैं उनके जैसे लेंथ ऑफ आर्क रेडियस थीटा ये अलग अलग रिलेशन क्या दे दिया कि दोनों के जो लेंथ ऑफ आर्क है यदि वो इक्वल हो बट थीटा डिफरेंट है तो उनकी जो रेडियस का रेशियो क्या होगा वो। तो सबसे पहले तो मैं इसके थीटा को चेंज करना पड़ेगा, क्यों, यदि देखूं तो ये रेडियन में डिग्री में दिखाई दे रहा है, मुझे तो रेडियन की जरूरत है। तो थीटा 1c क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री, 3 पे कैंसिल होगा तो थीटा 1c आ जाएगा पाई बाई 3। थीटा 2c पाई बाई 180 इंटू 75, तो ये 15 से कैंसिल हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ये 5 और ये 12 आ जाएगा 5π/12, ओके, ये आ गया थीटा 2c। अब R1 R2, तो R1 का जो फॉर्मूला होता है L इक्वल टू होता है बच्चों R थीटा, तो R होगा L अपॉन थीटा, तो R1 रेशियो R2 क्या होगा, L1 अपॉन थीटा 1c डिवाइड बाई L2 अपॉन थीटा 2c, तो ये हो जाएगा L1 अपॉन थीटा 1c इंटू थीटा 2c अपॉन L2, ये इक्वल है कैंसिल हो जाएंगे, थीटा 2c की वैल्यू 5π/12 और ये है π/3, तो ये भी रिवर्स कर दो, 5π/12 इंटू 3π, तो 3 4 जा ये 5π/5, तो 5/4, तो बच्चों जो रेशियो है R1 रेशियो R2 का क्या आएगा, 5:4 आ जाएगा। अब बताइए बच्चों कोई डाउट है यहाँ तक, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन था कि दो अलग अलग सर्कल है जिनके लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास इक्वल है और थीटा से एक का है 60 डिग्री और एक का है 75 डिग्री, हमें क्या करना है इनकी जो रेडियस का रेशियो होगा वो पता करना है। तो सबसे पहले मैंने थीटा को रेडियन में चेंज कर दिया, चेंज करने की प्रोसेस है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, थीटा गया, आर का फॉर्मूला होता है बच्चों एल अपॉन थीटा, दोनों में फॉर्मूला लगाया डिवाइड में है तो ऐसे हो जाएगा, L1 L2 इक्वल है कैंसिल हो गए, वैल्यू पुट करो पाई से पाई कैंसिल करके सोल्व करो तो पाई अपॉन 4, क्लियर हो गया बच्चों। तो बच्चों इसका जो 7th क्वेश्चन है मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th है कि 75 सेमी लंबाई वाला एक दुलायमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक तोलन करता है, यानी कोई ओसिलेशन हो रहा है जिसकी ये जो लेंथ है वो है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, अर्थात जो उसकी रेडियस बनेगी वो कितनी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, और जो एंगल बनता है उसका माप रेडियन में बताना है, और उसके द्वारा जो बनाए गए चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क है L वो है 3 केस है, टेन 15 एंड 21, ठीक है, तो इन तीनों केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है L अपॉन R, तो ये हो जाएगा 10/75, इसका हो जाएगा 15/75, इसका 21/75, तो रेडियन में ये आ जाएगी, क्लियर हुआ बच्चों।
तो बच्चों मेरी तरफ से आपका जो 3.1 एक एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड सारे एग्जांपल और चैप्टर के जो सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अब हमारा काम रहेगा आगे के बेसिक का। और बच्चों आगे का बेसिक आपके लिए लगभग नया है और इसलिए इसको आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नई चीज है तो हो सकता है एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे तो वो बात एकदम बढ़िया तरीके से माइंड में फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, ठीक है बच्चों। तो इसलिए एक एक कंसेप्ट अब आपको जो भी बताया जाएगा उसके ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से आपको फोकस करना है और ध्यान से उसको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसको लेकर। अब देखिए बच्चों अब आगे का जो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, देखो सबसे पहले तो आपको चतुर्थांश का बेसिकली मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। ये जीरो, पाई बाई टू, पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है 2π। कैसे है वो बता देता हूँ। जैसे देखो पाई का मतलब बच्चों कितना होता है, 180 यानी 180, डिवाइड करोगे 2 से तो ये देखो 90, 90 + 90 180, ये 270, ये 360। लेकिन एक बात, तो यदि कोई रोटेशन होता है किसी रे का तो वो क्या किसी पॉइंट पे एंड हो जाएगा? आप जानते हो बच्चों जो रोटेशन होता है वो तो रेगुलरली होता रहेगा, ऐसे जो रोटेशन है वो तो ऐसे रेगुलरली होता रहेगा। यानी सबसे पहले हमें ये पता करना ना चाहिए भी एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सबसे पहला काम आपका ये सीखना है, ठीक है। हम एक एक स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ेंगे एक एक बात को समझते हुए। सबसे पहले देखो बच्चों हमने पाई के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अभी पाई का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले लेंथ ही लगेंगे तो हम पे पाई यूज हो जाएगा, यानी डिग्री में लिखने में डाउट आएगा तो, ठीक है। और अब क्योंकि इसको याद रखने में ईजी रहता है पाई को, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पाई बाई टू, 5π/2, 9π/2, 13π/2, 17π/2, इस तरीके के जितनी भी वैल्यू वो सब इस पॉइंट पे होगी, 3π/2, 7π/2, 11π/2, 15π/2, 19π/2, ये सब वैल्यू यहाँ होगी। पाई, 3π, 5π, 7π, 9π, 11π, इस तरीके से यहाँ आएगा। 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, ये सब आएगा यहाँ पे, ठीक है। बच्चों पाई का कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया गया, यदि घुमाकर एंगल में लिख दूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2025 डिग्री एंड 2025 डिग्री, अब आपको ये पूछ लो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा। परंतु तो यदि आपके पाई के कॉन्सेप्ट पे आप आते हो तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 180 के कॉन्सेप्ट पे यदि आते हो तो भाई इतना तो डायरेक्टली निकाल दो, इतना तो क्या करो डायरेक्ट नहीं निकाल दो, तो 225 बच जाएगा, ये 10π हो गया। 180 और माइनस कर दिया तो ये हो गया 11π, 11π प्लस 45। देखो कितना जल्दी पता चला मुझे, भाई मुझे कितना जल्दी पता चल गया कि भाई 11π प्लस 45 डिग्री ये वैल्यू होगी। अब आप ये देखिए भाई 11π प्लस जो 45 है वो कहाँ होगा, तो 11π आपको माइंड में ही है, 45 ऐड करोगे तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एंगल की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन पॉजिटिव और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, यानी वहाँ पे एंगल मेजरमेंट नेगेटिव में होगा। हमेशा याद रखोगे एंगल का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे तो एंगल मेजरमेंट तो होगा लेकिन वो नेगेटिव में होगा सारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव में लिया जाएगा, हाँ ऐसे है, पॉजिटिव करो, याद रखना बेटा। यदि आप प्लस कर रहे हो एंगल को तब तो आप एंटी क्लॉकवाइज में चलो, ऐसे जैसे मान लो फिलहाल जैसे मेरा हाथ चल रहा है, और यदि आप माइनस कर रहे हो तो रिवर्स आ जाओ, ठीक है। तो यदि मैं मान लो मैं यहाँ पहुंच गया 11π, मैं 45 ऐड करूँगा तो इस डायरेक्शन में बढ़ूंगा। अब आपको सर यहीं पर रहूंगा तो बेटा ये 90 का है, 45 तो हाफ ही है, तो रहेगा तो इसी के अंदर, अब बात क्लियर हो गई होगी।
और चलो एंगल लेते हैं, ये पता करना है सिर्फ बेटा, ये पता करना कंसेप्ट है पहले हमारा कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा उस एंगल के लिए, क्योंकि यदि क्वाड्रेंट पता चल जाएगा तो मान के चलो हम कोई भी एंगल हो उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एंगल हो, जो मान लो 30 की टेबल का हो या 30, 45, 60, 90 से रिलेटेड हो, वो हो जाएगा। आगे बढ़े, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 3000, चलो ये दे दिया, चलो ये तो सिंपल सा ही आपको पता चल ही जाएगा, ज्यादा लेते हैं 2860। अब मान लो बेटा आपको ये बोल दूं कि मैं इस एंगल की वैल्यू बताओ, जैसे आपने पढ़ा है साइन 31/2 होता है, अच्छी तरीके से याद है आपको, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, लेकिन ये कह दूं इसके आगे ये लगा दूं, आप कहोगे सर ऐसा होता है? तो बच्चों ऐसा होता है, अलग अलग एंगल के लिए आता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जो पोजीशन है वो जीरो के अकॉर्डिंग देखो कहाँ है, यानी सिर्फ 360 डिग्री के वाले केस में देखो कहाँ है, इसको हम चेंज करेंगे ना। तो सबसे पहले हम पाई वाले कंसेप्ट पे आते हैं, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के कितने पाई तक ये केस हो जाता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 15 पाई जो केस होता है वो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आता है 2700, मेरे हिसाब से सही दिया होगा, 1500 × 120 × 27, ठीक है। तो 15 पाई इतना माइनस कर दिया जाता है तो 160 डिग्री बच गया, यानी एक और पाई तो पॉसिबल नहीं है, एक और पाई तो पॉसिबल नहीं है, तो पहले 15 पाई कहाँ होगा भाई, ओड है यहाँ होगा, 15 पाई मुझे इसमें 160 ऐड करना है, ये कंप्लीट 180 होता है, ये कंप्लीट इतना नीचे वाला 180 होता है, तो 90 से ज़्यादा है, 90 से तो क्या है ज़्यादा है, लेकिन 180 से कम है, तो ये यहाँ कहीं होगा या नहीं होगा, यहाँ कहीं, तो यानी इसको यदि मैं एक और पाई ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 16 पाई, तो ये हो जाएगा 16 पाई माइनस 20, ये क्या हो जाएगा 16 पाई माइनस 20, 16 पाई यहाँ है माइनस करूँ तो थोड़ा यहाँ जाऊँगा, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू, यानी मुझे ये पता चल गया भाई क्वाड्रेंट कौन सा है। तो सबसे पहले बच्चों इतनी बात समझ आ गई होगी, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, जब भी आपको एंगल के ऊपर मेजरमेंट करना हो आपका ये काम रहेगा, आप ये पता करो कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, पाई के कोरिस्पॉन्डिंग उसकी स्थिति पता करेंगे, क्योंकि आगे की जो हमारी कैलकुलेशन रहेगी बच्चों वो सारी पाई के ऊपर ही बेस्ड रहेगी, जो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे वो पाई के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, अब क्वाड्रेंट की क्या इंपॉर्टेंस है वो पता करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों क्वाड्रेंट की इंपॉर्टेंस आपको और सीखनी है, उसके बाद इस लेक्चर को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है उसका रीजन मैं आपको ये बताता हूं। देखिए बच्चों, देखो एक बार ये मान लीजिए ये आपका एक इकाई त्रिज्या का यानी यूनिट रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। इसके ऊपर मान लो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेता हूं, ये एंगल जनरेट हो गया थीटा, तो ये यदि मैं एक्स वैल्यू मानता हूं ये वाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सब जानते हो एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव, ये तो बच्चों डिस्टेंस है एच, आइए तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस एच है, ठीक है एच। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन होता है लंबट्टे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वाई अपॉन एच, एक्स अपॉन एच, वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई, एच अपॉन एक्स एंड एच अपॉन वाई, क्लियर है। ये बच्चों कैसे लिखा, तो इसका मैं आपको रीजन दे देता हूँ, आपने 9th, 10th में पढ़ा है, जो हिंदी में आपने पढ़ा होगा साइन कोस टेन कोट सेक कोस एको लाल बट्टे का लंब बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण लंब बट्टे आधार, वो प्रोसेस, या जो इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ते हैं आप भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पी कुछ ये फॉर्मूला जिसको आप कोई भी तरीके से याद रख सकते हो, जो आपको अलग अलग तरीके में बताई गई हैं,
तो बच्चों अब ये देखो, ये सारी क्वांटिटीज़ इसमें पॉजिटिव ही है, भी ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनका जो रेशियो है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। कहने का अर्थ ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, चाहे एंगल कितने भी डिग्री का हो, सब के सब क्या देंगे आपको, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू देंगे। बस समझ आ गई या नहीं आई? ठीक है, तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेंट लिख के लिस्ट बना रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ये, फोर्थ। बेटा एच जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ है वो पॉजिटिव है, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है, एक्स वाई है, तो इसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें एक्स वाई थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई ये पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। इसका रेशियो देखो, अब बेटा देखो ये सारे प्लस 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 वैल्यू देंगे हमको। अब एक्स माइनस है तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। बस समझ आई कैसे? कि मान लीजिए यदि इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ थीटा, एच फिक्स है, ये एक्स ये वाई, तो आपको पता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है और वाई होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये तो सब जानते हो। तो बस उसी के ऊपर बेस्ट, यदि मैं यहाँ पे मान लो भाई वाई पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा, इसे वैल्यू कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव, जैसे ये नेगेटिव यानी माइनस का हो गया, नीचे वाला प्लस का हो गया, तो प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस होगा, बस बच्चों वो लिखा है। अब यदि दोनों माइनस हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, बस आपको वैल्यू के आधार पे देखना है। सेम ये प्रोसेस यहाँ पे, एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये दोनों, सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बस समझ आई। मैं बच्चों क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें ये पता और चल गया अब कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, तो इसके अंदर तो होंगे पॉजिटिव ऑल, इसके अंदर तो ऑल पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर ओनली साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टेन पॉजिटिव होगा और कोट पॉजिटिव होगा, इसके अंदर कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। बच्चों इसका रीजन मैंने आपको दे दिया, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है लेंथ के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग हमसे लें, ये जो मेजरमेंट यदि नेगेटिव होगा, भाई देखो एक्स अपॉन वाई है जैसे, यदि उन दोनों में एक नेगेटिव हो गया तो भी नेगेटिव, एक ऊंचाई ऊपर वाला नेगेटिव है चाहे नीचे वाला, हाँ यदि दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा, और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा, उनके ऊपर बेस्ट बच्चों हमने ये टेबल बनाई है। तो एक बार आप इस टेबल को देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको ये बात याद रह जाएगी। आगे बच्चों ये मैंने डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन इसकी कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी, ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके चतुर्थांश है, और इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली सारी क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आपका काम आज का ये है कि दो काम पता करना, एक तो क्वाड्रेंट चतुर्थांश कौन सा है और एक पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हमारा इसके बेसिक फॉर्मूले पे और रहेगा, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।